और इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद में फिर से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान अगर चाहें तो मैं कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। हालांकि इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब इमरान खान के साथ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था तो भारत ने फौरन ही उसे नकारा था। और इस बयान के बाद में बैंकॉक में एस जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री, ने अमेरिकी विदेश मंत्री से यह साफ कर दिया कि यह मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है, द्विपक्षीय मुद्दा है और इस पर किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं। अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट के जरिए एस जयशंकर ने इस बात की सफाई दी। मगर सवाल इस बात का है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बार बार कश्मीर का मुद्दा छेड़ना मायने क्या रखता है? क्या अमेरिका का ये दबाव कि भारत जो दूसरे देशों से हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए जो डील कर रहा है वो उनके बजाय अमेरिका के साथ करे, और इसीलिए इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार उन तमाम चीजों को लेकर के जिनमें भारत ने टैरिफ बढ़ाया था उस पर दबाव डालने की कोशिश की थी, तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दबाव जिसे बार बार भारत खारिज कर रहा है मगर डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानने को तैयार नहीं।